नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में जो हम पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके स्टेटिक जीके को देखने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्य के स्टेटिक जीके में हम सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, यानी ये सभी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम असम राज्य से करते हैं। और आप सभी जानते हैं असम एकमात्र ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर राज्यों में जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों से अपनी सीमा बनाता है सिक्किम को छोड़कर। तो डिस्कस करते हैं अब असम राज्य के बारे में। असम राज्य के अगर हम वर्तमान सीएम की बात करें तो वहां के जो सीएम है वह श्री हेमंत विश्व शर्मा, और गवर्नर की बात करें वर्तमान में तो वह प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम राज्य की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी वर्ष 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान में यहां आपको मिलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंह गेंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखवा राष्ट्रीय उद्यान, देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये आपको असम राज्य में मिलेंगे। दोस्तों भारत के सभी राज्यों में से असम राज्य दूसरा राज्य है जहां सर्वाधिक नेशनल पार्क है। पहला मध्य प्रदेश मिलेगा आपको, दूसरा आपको असम मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है इसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके अलावा जो देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है इसे भी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें जनजाति की तो असम राज्य में आपको काफी जनजाति मिलेगी, जैसे राभा हो गया, दिमारा हो गया, चारी हो गया, बोडो हो गया, अबोर, मिकिर, नागा और लुसाई। देखिए दोस्तों, जो मिकिर जनजाति है और बोडो जनजाति है ये काफी प्रश्न में पूछी जाती है, तो मिकिर जनजाति और बोडो जनजाति को आपको विशेष ध्यान रखना है। और मिकिर जनजाति आपको केवल असम में ही नहीं मिलेगी, असम के जो आसपास क्षेत्र है, यूं कहे कि जो मेघालय है या फिर जो मणिपुर है वहां पे भी आपको यह जनजाति मिलती है। तो जनजाति में आपको जो राभा, दिमारा, चारी, बोडो, अबोर, मिकिर, नागा, लुसाई ये याद करने हैं। और इसमें से भी जो बोडो और मिकिर है उसे विशेष याद करना है। इसके अलावा अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो असम राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वह 7 है तथा विधानसभा की जो सीटें हैं वह 126 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा था, कई प्रश्न यहां से बन भी चुके हैं, जो भूपेन हजारिका जो पुल है यानी जो ढोलिया साजा जो पुल है यह असम राज्य में ही है और यह इसका जो उद्घाटन किया गया था 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर आपको मिलेगी। और यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है लोहित नदी। तो लोहित नदी पर यह जो पुल बनाया गया है। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध द्वीप भी मिलेगा जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको एक प्रसिद्ध द्वीप मिलेगा जिसका नाम है माजुली द्वीप। यह बहुत बड़ा द्वीप है, यानी विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह माजुली द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में ही स्थित है। तो असम राज्य से आपको यह बातें ध्यान रखनी है। अब दूसरे पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे अब मेघालय के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों मेघालय के वर्तमान सीएम की बात करें तो उनका नाम है कोनराड संगमा, जिनकी पार्टी का नाम है एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी। जो एनपीपी है यह भारत की सबसे नवीन राष्ट्रीय पार्टी है, यानी भारत में जो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टी है उन सभी पार्टियों में से यह जो नेशनल पीपुल पार्टी है सबसे नवीन है और उसके अध्यक्ष वर्तमान में कोनराड संगमा हैं। तो जो वहां के सीएम भी हैं, तो मेघालय के सीएम या मुख्यमंत्री की बात करें कोनराड संगमा, जिनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल पार्टी। यहां के गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है सत्यपाल मलिक। मेघालय की अगर स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और जनजाति की बात करें तो यहां पे जो आपको जनजाति मिलेगी वो मिलेगी गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। तो मुख्यतः यहाँ पे 4 जनजाति मिलती है, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। और यह गारो, खासी, जयंतिया है यह नाम इनके यहाँ पर जो प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं उनके नाम पर पड़े हैं। दोस्तों यह जो आपको खासी हिल दिखाई दे रहा है, यानी पूर्वी खासी जो हिल दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको मिलेगा शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है। और यहीं पर, यानी जो शिलोंग है जो मेघालय की राजधानी है, यहीं पर असम राइफल का हेडक्वार्टर भी है। और असम का, यानी जो असम राज्य है उसकी जो पहली राजधानी थी वह भी शिलोंग ही थी। तो यहां से आपको यह भी ध्यान रख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें मेघालय के लोक नृत्य की तो लोक नृत्य में आपको केवल एक ध्यान रखना है और वह है लहो नृत्य। तो लहो नृत्य मेघालय का लोक नृत्य है।
इसके अलावा अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ केवल दो नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं, एक है बल्फक्रम नेशनल पार्क और दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेशनल पार्क दो हो गए, बल्फक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर आपको मिलेगा सिजू बर्ड सेंचुरी, यानी यहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है सिजू बर्ड सेंचुरी, तो यहां से आपको यह याद करना है। इसके अलावा यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध आपको जलप्रपात मिलेगा यानी वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है नोहकलिकाई वाटरफॉल, तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर लोकसभा सीट की बात करें तो एक मिलेगी और राज्यसभा सीट की बात करें तो वो भी आपको एक मिलेगी। तो मेघालय से आपको यहां पर यह याद रखना है। अब हम अगले पूर्वोत्तर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। यदि त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देव और यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों त्रिपुरा के अगर स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को हुई थी और यहाँ के दो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, एक का नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा का नाम है राजबरी नेशनल पार्क, तो यह आपको याद हो चुका होगा। इसके अलावा यहाँ की जनजाति की बात करें तो त्रिपुरी, रियांग, जमतिया, चकमा, हलाम और मोग। दोस्तों यह जो चकमा जनजाति है काफी विवादों में रहती है, तो इसे आप स्पेशल ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर लेबांग बूमनी नृत्य है जो एक फसल नृत्य है और त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है, तो त्रिपुरा से आपको केवल इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब हम अगले पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है मणिपुर। दोस्तों मणिपुर के अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है एल ए गणेशन। मणिपुर के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ दो नेशनल पार्क मिलेंगे, एक मिलेगा केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा मिलेगा सिरुबु राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकटक झील के बीचों बीच मिलेगा, तो मणिपुर की जो प्रसिद्ध लोकटक झील है उसके बीचों बीच में आपको केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा और यहीं पर आपको एक प्रसिद्ध हिरण मिलेगा जिसका नाम है संघाई हिरण, जिसे हम डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मणिपुर की अगर स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ का जो प्रसिद्ध त्योहार है वह लाई हरा ओबा और जनजाति की बात करें तो यहाँ आपको कुकी जनजाति मिलेगी, तंगखुल मिलेगी, कुबईस मिलेगी और माओ मिलेगी। दोस्तों जो माओ जनजाति है और कुकी जनजाति है काफी विवादों में रहती है, तो इसे आप याद करना। इसके अलावा हाल ही में यहाँ का जो चावल था जो काला चावल था चाक हाओ चावल, इसे जीआई टैग भी मिला था, तो मणिपुर का जो काला चावल है जिसका नाम चाक हाओ है इसे हाल ही में जीआई टैग मिला था, तो मणिपुर से आपको यह बातें यहां पे याद करनी है। अब हम अगले जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में देखते हैं। यहां पे आप मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पी जोराम थंगा और गवर्नर की बात करें उनके नाम है हरिबाबू कंबमपति। तो मुख्यमंत्री जोराम थंगा और राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, यानी दो राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे, एक है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की बात करें मिजोरम की तो 20 फरवरी 1987, तो स्थापना आपको आसानी से याद हो जाएगी। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 और 20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना थी, तो दो राज्यों की स्थापना आपको आसानी से याद हो जाएगी। और 21 जनवरी 1972 त्रिमेघमणि यानी त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इनकी स्थापना है। तो 20 फरवरी 1927 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और 21 जनवरी 1972 की बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर यानी त्रिमेघमणि, तो यानी स्थापना वर्ष ये हो गया। इसके अलावा अगर और बात करें यहाँ की जनजाति की बात करें तो लुसोई, रालते, हमार, पाइते और पावी, तो ये यहाँ की जनजाति है। इसके अलावा अगर त्योहार की बात करें तो मिमकुट त्योहार हो गया और चपचारकूट त्योहार, यह बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों चपचारकूट त्योहार कई बार एग्जामों में आ चुका है और मिमकुट त्योहार की बात करें तो यह भी आगामी एग्जामों में आ सकता है। तो मिमकुट त्योहार और चपचार जो कूट त्योहार है यह आते हैं मिजोरम के अंतर्गत, यानी मिजोरम के प्रसिद्ध त्योहार हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जैसे हमने आपको बताया था 20
1987, तो यानी यहां से आपको इसकी डेट याद हो चुकी होगी। वर्तमान सीएम की बात करें तो पेमा खांडू जी हो गया, और गवर्नर की बात करें तो बीडी मिश्रा जी हो गए। तो गवर्नर और सीएम, यानी सीएम पेमा खांडू जी और गवर्नर की बात करें तो बीडी मिश्रा जी। इसके अलावा अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो दो नेशनल पार्क यहां पे बहुत प्रसिद्ध है। एक है नामदफा नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा बात करें तो मोलिंग नेशनल पार्क यानी मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, यह प्रसिद्ध हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश के दो राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा जनजाति की बात करें तो दफला हो गया, मोम्बा हो गया और मिशमी हो गया। तो मिशमी काफी प्रसिद्ध है, दफला भी आपको ध्यान रखना है। तो दफला, मोम्बा और मिशमी, यह जो जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा प्रमुख दर्रे, दोस्तों यहां से प्रश्न काफी बनते हैं अरुणाचल प्रदेश से, कि यहां के प्रसिद्ध दर्रे यानी नूरा पास आपको यहां पे मिलेगा, बहुत प्रसिद्ध है। सेला पास आपको यहां पे मिलेगा, बोमडिला पास बहुत प्रसिद्ध है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। दिहांग पास आपको यहां मिलेगा, यहीं पर आपको दिहांग नदी भी मिलती है। यांग्याप पास बहुत प्रसिद्ध है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है भारत में। और दिफू पास, यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है, तो यह भी काफी प्रसिद्ध है। तो यहां से यानी अरुणाचल प्रदेश से इन पांचों जो पास हैं, पांचों जो दर्रे हैं, इन्हें आपको याद करना है। इसके अलावा अगर बात करें प्रमुख त्योहार की, तो यहां जो प्रमुख त्योहार है, एक है जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, बहुत प्रसिद्ध त्योहार है ये। इसके अलावा सियांग रिवर फेस्टिवल और लोसर त्योहार। देखिए दोस्तों, जो लोसर त्योहार है, यह मुख्यतः जो जनजाति है जो बौद्ध धर्म को फॉलो करती है वह मनाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी इस त्योहार को मनाया जाता है, सिक्किम में भी इस त्योहार को मनाया जाता है, और लद्दाख में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। तो लोसर त्योहार आपको लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन तीनों जगह मनाया जाता हुआ दिखाई देगा। तो प्रमुख त्योहार से आपको यह याद रखना है। अब आगे बात करते हैं हम नागालैंड के बारे में। नागालैंड की स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। तो नागालैंड की स्थापना आपको विशेष ध्यान रखना है, 1 दिसंबर 1963। और वर्तमान यहां के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम है नेफ्यू रियो, और गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है जगदीश मुखी जी। यानी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री नेफ्यू रियो हैं, और गवर्नर की बात करें तो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करें तो केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उसका नाम है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। तो इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। इसके अलावा जनजाति की बात करें तो अंगामी जनजाति, रेंगमा, नागा, कुकी और कोयंग। तो कोयंग, नागा और कुकी, इन्हें आप थोड़ा विशेष ध्यान रखना, यह बार बार पूछी जाती है। तो नागालैंड की जनजाति कुकी, कोयंग, नागा, रेंगमा, यह आपको याद करनी है। इसके अलावा यहां की लोकसभा सीट की बात करें तो एक है, राज्यसभा सीट की बात करें तो वहां भी एक ही है। इसके अलावा त्योहार की बात करें तो यह त्योहार काफी बार पूछा जाता है, हॉर्नबिल त्योहार कहां का है, तो यह नागालैंड का है। इसके अलावा तुलिनी त्योहार और यमशु त्योहार, तो यमशी आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, लेकिन हॉर्नबिल त्योहार को आपको विशेष ध्यान देखना है, यह बहुत बार पूछा जाता है। तो त्योहार से आपको हॉर्नबिल त्योहार याद करना है। इसके अलावा नागालैंड से आप एक फैक्ट याद कर सकते हो कि प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जो ईसाई जनसंख्या है वह नागालैंड में निवास करती है। यानी सर्वाधिक ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं प्रतिशतता के आधार पर, वह आपको नागालैंड में मिलेंगे। तो यानी यहां से यह हो गया। अब आगे बात करते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में वहां के जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तामांग। इसके अलावा बात करें तो वहां के गवर्नर की, तो उनका नाम है गंगा प्रसाद जी। तो मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग जी हो गए, और राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद जी हो गए। स्थापना की बात करें तो 16 मई 1975 को। लोकसभा सीट आपको एक मिलेगी, राज्यसभा सीट भी एक मिलेगी, और विधानसभा सीट आपको 32 मिलेगी। सिक्किम की विधानसभा सीट को भी आपको याद करना है, क्योंकि यह आप सभी जानते हैं कि 40 सीटें होना अनिवार्य होता है, लेकिन यह विवाद है यानी अपवाद की कैटेगरी के अंतर्गत आता है सिक्किम, जहां पर 40 से कम विधानसभा सीटें मिलती है। तो 32 विधानसभा सीटें आपको सिक्किम में मिलेगी, यह आपको याद करना है। इसके अलावा अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो यहां मिलेगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, और यहीं पर आपको मिलेगा कंचनजंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर स्थित है। तो यह आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको जो प्रसिद्ध स्थान मिलेगा वह मिलेगा बाबा हरभजन सिंह मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है, और यह आपको नाथुला पास के पास मिलेगा। इसके अलावा त्योहार की बात करें तो यहां पर आपको लोशुंग हो गया, इंदिरा जात्रा हो गया,
और लोसर त्योहार हो गया। इंदिरा यात्रा की बात करें तो ये नेपाली मूल के जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रसिद्ध त्योहार है। तो सिक्किम में जो नेपाली लोग यहाँ पे रहते हैं उनका प्रसिद्ध त्योहार है, और वह भी जो नेवार जाति है, यानी नेपालियों में भी जो नेवार जनजाति है या जाति है वह इस त्योहार को मनाती है। तो इंदिरा यात्रा सिक्किम में हो गया। इसके अलावा क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य है, पहला तो गोवा हो गया और दूसरा जो सबसे छोटा राज्य हो गया वह हो गया सिक्किम। तो यहां से दोस्तों इतना ही था, हमने डिस्कस किया जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं स्टैटिक जीके में, वह हमने आपके सामने यहां पे रखे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।